to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. बालाजी पूछ रहे कि सर प्लीज शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 5 डेज सिलेबस नीड टू बी कंप्लीटेड एटलीस्ट बिफोर 21. माय डियर, आप सभी स्टूडेंट इसके लिए वरी ना हो, आपके लिए शेड्यूल बन चुका है. आपको चीजें जो है इसी वे में मिल रही हैं कि आपका एग्जाम जो है उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. आप उसके लिए बिल्कुल भी वरी मत कीजिए डियर. बट अगर आप ये चाहेंगे कि सर सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर दीजिए, दो दिन में कंप्लीट कर दीजिए, माय डियर उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. जब से आपके एग्जाम की डेट आई है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आप देखिए कि आपके लिए फास्ट वे में सारी चीजें कराई जा रही है. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाए. इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि सिलेबस सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें पढ़ने के बाद हो. और यही मैं आपके लिए कर रहा हूँ. डिफरेंशियल इक्वेशन हम आज और कल में डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी करेंगे, देन लीनियर अलजेब्रा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे माय डियर, डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे. सारी चीजें एक सिस्टमेटिक मैनर में हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे. आप सिलेबस का टेंशन मत लीजिए. किसी दिन हम जो है आपका मैराथन ले लेंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. आप इसका टेंशन मत लीजिए कि सर सिलेबस होगा या नहीं. आपका सिलेबस होगा, आपके लिए जो टेस्ट है टेस्ट भी रखा जाएगा. आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास में मैं आपका टेस्ट रखूंगा, जिसको कि आप सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करें. और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल पर गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, एई एग्जाम,
इन सभी एग्जाम के सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपके सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट न्यू है उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो है वह आपका गेट एग्जाम में 28 मार्क्स का वेटेज है, इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है उन्हें विद फील कंप्लीट करा सको। आपके AAI एग्जाम के लिए मैं आपके साथ डील कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैथ्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ। एंड जो भी स्टूडेंट अभी कंफ्यूज है कि सर यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस में क्या डिफरेंसेस है, सर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अनअकैडमी प्लस प्रोवाइड करता हमें यूट्यूब नहीं मिलता, यस माय डियर, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, आपको क्रैश कोर्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है रिविजन के लिए, आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप इंप्रूवमेंट चेक कर सके, हर फोर्थ सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर सेशन दोनों लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपके लिए सेशन अवेलेबल है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपकी रैंक को 1 डिजिट और 2 डिजिट रैंक लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आइकॉनिक क्या है सर, आइकॉनिक में माय डियर जो प्लस के एडवांटेज है वह सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं। एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी गेट एग्जाम, ESE एग्जाम, AE एग्जाम के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं कि सर हम एक बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, तो माय डियर आप जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम का सपना देख रहे हैं कि सर हमें गेट एग्जाम, ESE एग्जाम, सर हमें AE एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट ने अपने ऊपर भरोसा किया तो आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते कि हम ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसे हम क्रैक कर सकते हैं। नाउ आपको एक अच्छे कंटेंट की जरूरत है, आपको एक अच्छे स्टडी प्लान की जरूरत है, आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन कीजिए। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब क्लास लर्नर है, स्पेशल क्लास लर्नर है, तो सभी यूट्यूब क्लासेज में प्रेजेंट रहिए, स्पेशल क्लासेज में प्रेजेंट रहिए, सभी का एडवांटेज लीजिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अनअकैडमी प्लस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द अनअकैडमी प्लस। यस माय डियर, यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट एक डिटेल्ड मैनर्स में मिलेंगे, आपको रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स मिलेगा, आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेंगे। जैसे ही आप पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन करेंगे आपको एक सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर आपके जो भी डाउट है आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, आपके पूरे टेक्निकल के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एंड आपके जो नॉन टेक के जो डाउट है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, उसके लिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, क्योंकि ये जो है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। आपका हार्डवर्क और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपका जो एम है गेट 2022, 2023 एंड ESE एग्जाम, इससे हम जो है एक बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम, ESE एग्जाम का सपना पूरा करना चाहते हैं, माय डियर जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए 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 सर, 3D ज्योमेट्री की क्लास होगी। डियर अभी आप पूरी आपको शेड्यूल बता चुका हूं, सारी चीजें होंगी यार, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके लिए 3D ज्योमेट्री ये जो टॉपिक है ये आपके साथ एप्टीट्यूड में अविनाश सर आपको डील करेंगे ही, आप उसके लिए वरी मत होइए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आपको एक एग्जाम से पहले पूरा जितना भी सिलेबस हम कंप्लीट करा सकते हैं सारा सिलेबस आपको कराया जाए। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं माय डियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मार्क्स का है, अगर आप दूसरे AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मार्क्स का है। तो माय डियर गेट एग्जाम में आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर दिखता है गेट एग्जाम में, और अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें तो इसका वेटेज 2 to 4 मार्क्स के बीच में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एग्जाम में वेटेज के हिसाब से आपके यहाँ पर उसके मार्क्स दिखते हैं। Now, अब बात आती है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं। माय डियर उसका नाम ही देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या आते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल आते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव टर्म आते हो। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व करता सर, जो कि डेरिवेटिव टर्म को इन्वॉल्व करता उससे हम कहते क्या है सर, नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। Now, differential equation जो है आपके डिपेंड करती है कितने, कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर
डिपेंड कर रहे हैं। सर कैसे? माय डियर, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और सिर्फ एक्स पर अगर वह डिपेंड कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? सर जेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड यहां पर अगर देखें तो आप क्या कहेंगे? सर जेड जो है वह टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर? सर जेड जो है टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर? एक्स पर। एंड माय डियर, अगर जेड टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स पर तो आप यहां पर कौन सा डेरिवेटिव लेंगे? सर यहां पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, यहां पर टोटल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि जेड जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? सर टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर? एक्स पर। बट वहीं पर अगर आपका जेड डिपेंडेंट वेरिएबल आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, लेट अस सपोज एक्स वाई पर, तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? सर दो है। यहां पर जो आपका z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू किस किस से चेंज हो सकती है? सर x एंड y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों से चेंज हो सकती है। मींस अगर आपको z को चेंज करना है तो आप x को चेंज कर दीजिए, अगर आपको z को चेंज करना है तो आप y को भी चेंज करके z को चेंज कर सकते हैं और दोनों को चेंज करके भी आप z को चेंज कर सकते हैं। मींस z जो है वह पार्शियली डिपेंड कर रहा है किस पर? सर z जो है पार्शियली डिपेंड कर रहा है x पर एंड पार्शियली डिपेंड कर रहा है किस पर? सर y पर। और अगर z इन दोनों पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है तो आप यहां पर क्या लेंगे? सर यहां पर हम यूज करेंगे किसका कंसेप्ट? सर नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे आप यहां पे? सर पार्शियल डेरिवेटिव। यस और नो टेल मी, किसका कंसेप्ट यूज करेंगे माय डियर? सर पार्शियल डेरिवेटिव का। एंड अगर आपने कहा कि सर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो आपने यहां पर किसका कंसेप्ट यूज करा था? सर टोटल डेरिवेटिव का। तो माय डियर, अगर हम बात करें, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो आप टोटल डेरिवेटिव लेंगे और वो जो इक्वेशन बनती है उससे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं माय डियर? सर नथिंग बट द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वह एक पर ही डिपेंड कर रहा है तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, और अगर वह एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सर नथिंग बट व्हाट? सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। यस और नो टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। समझ आया कि सर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? यस सर, यार कमेंट करते रहिए, ठीक है? यस ओके, जो भी चीज आपसे पूछी जाए उनका कमेंट करते रहिए, आपको अगर डाउट है तो आप वो भी पूछिए। ओके सर, नाउ माय डियर, अब अगर हमने ये चीजें पढ़ी तो अब आती है दूसरी टर्म कि ऑर्डर किससे कहते हैं और डिग्री किससे कहते हैं। माय डियर, ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज नथिंग बट कि आपने का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे आपने कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया है, आपने कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वे क्या है? सर नथिंग बट ऑर्डर। नाउ दूसरा टर्म आता है कि सर व्हाट इज डिग्री? सर व्हाट इज डिग्री? माय डियर, डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। नाउ अब स्टूडेंट्स को डाउट आया कि सर क्या कह दिया आपने? माय डियर, डिग्री क्या है? सिंपल सी बात है, डिग्री ये है कि आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखी है उसकी आप लीजिए क्या पावर। बट उसकी जब आप पावर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जगह पर डिपेंडेंट वेरिएबल है उस इक्वेशन में एंड उसका डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव टर्म जो है वह क्या होना चाहिए? सर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। यस और नो टेल मी फास्ट। यस सर, आइए एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, चीजें एक ही बार में क्लियर करते जाइएगा तो आपको चीजें जो है समझ भी आएंगी और उन चीजों पर क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। ओके, अगर आपने कहा कि इक्वेशन आपको दी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू लेट अस सपोज एक्स। नाउ आपसे ये पूछा गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप क्या कहेंगे? सर यहां पर अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई जो है सर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है, तो ये कौन सी इक्वेशन? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
ordinary differential equation. Now, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे आप ये बताइए कि इसकी ऑर्डर कितनी है और इसकी डिग्री कितनी है. Now, my dear, अगर मैंने आपसे पूछा tell me the order and then tell me the degree. Tell me the order and tell me the degree. तो आप ऑर्डर क्या कहेंगे? सर ऑर्डर की अगर बात की जाए तो सर ऑर्डर इज नथिंग बट वॉट सर हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था. मीन्स आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार डेरिवेट किया. तो आप क्या कहेंगे सर हाईएस्ट अगर देखा जाए डिपेंडेंट वेरिएबल y को हमने x से रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेट किया तो आपका ऑर्डर क्या हो गया सर नथिंग बट टू. वहीं पर अगर मैं आपसे डिग्री पूछता हूं तो डिग्री क्या है जो आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर देखिए तो आप इसकी आप क्या कहेंगे सर अगर मैं इसकी पावर देखता हूं तो सर इसकी पावर कितनी है सर नथिंग बट वन. बट डायरेक्टली वन कहने से पहले डिग्री डायरेक्ट वन कहने से पहले आपको क्या चेक करना है कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है या नहीं. तो आपने देखा सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी पावर वन है. यस सर फ्रैक्शनल पावर नहीं है. इसका डेरिवेटिव टर्म और कहीं दिख रहा है सर और कहीं नहीं है. तो आप क्या कहेंगे यस सर इसकी डिग्री क्या है सर नथिंग बट वन. यस और नो टेल मी फास्ट. ओके चल दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आइए अगर आपने कहा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दी पावर 4 बाई 3 इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स. ओके यस सर नो हाँ या ना यस सर नाउ माय डियर. चलिए आप कंफ्यूज होंगे इसमें एक काम करिए दिस इज इसे आप ले लीजिए डीवाई बाई डी एक्स इसे ले लीजिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके ध्यान से सुनिए एक ही बार में इस एग्जांपल से आप सारी चीजें समझ जाएंगे. ओके चलिए सर सर कैसे माय डियर एक बात बताइए अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं टेल मी द ऑर्डर तो आप क्या कहेंगे कि सर ऑर्डर के लिए तो कुछ भी चेक नहीं करना हमें यह देखना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितनी बार हमने डेरिवेट किया. तो आप क्या कहेंगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y उससे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट कितनी बार किया सर नथिंग बट 2. तो आप क्या कहेंगे सर ऑर्डर इज सर यहां पर अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर कितना है सर ऑर्डर है 2. Now, my dear, अगर मैं आपसे पूछता हूं टेल मी द डिग्री तो डिग्री कितनी कहेंगे आप सर डिग्री की बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है इसकी पावर लगाना है तो इसकी पावर है सर 1. तो आपने कहा सर 1 बट 1 जो है रॉन्ग आंसर. बट 1 जो है वह क्या है रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए. यहां पर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव है वह फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर नहीं है. पावर देखिए 4 बाई 3 लगी हुई है. तो आप क्या कहेंगे कि नो सर यहां पर अभी फ्रैक्शनल पावर है. तो अभी आप क्या करेंगे कि सर इस फ्रैक्शनल पावर से इसे फ्री करेंगे. तो आप क्या करेंगे सर दोनों साइड पे क्या कर दीजिए सर क्यूब कर दीजिए. तो अगर आप क्यूब कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर द पावर 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज 3. तो माय डियर अब बताइए डिग्री कितनी है इसमें. सर डिग्री हमें यहां से पता चलेगी इस इक्वेशन की. अब डिग्री कितनी है सर डिग्री इसकी 3 है और 3 इज द राइट आंसर. Now I think अब सभी student को समझ आ चुका होगा कि sir what is order, what is degree. Yes or no? Okay sir. Now my dear, अगर आपको कभी confusion हो तो आपने कभी odd number तो पढ़े ही होंगे. तो आपको क्या करना है sir? Order नीचे रहता है and degree ऊपर रहती है. And degree हमारी power में है तो power के साथ ही condition होगी कि इससे क्या होना चाहिए sir? Dependent variable and its derivative free from the fractional power होना चाहिए. हाँ या ना? Yes, 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 cube both the side, yes, learning aspirants, बिल्कुल सही answer. Degree 1, Sashanti, wrong answer. Yes or no? चलिए. अब समझ आया? अपन्ना जी? चलिए. आगे की तरफ चलते कि सर, degree समझ आ गया हमें. सर, हमें ये समझ आ गया कि सर, order क्या है.
नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि दिए डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाते कैसे। सॉल्यूशन तो ठीक है, सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे, बट पहले मुझे ये बताइए कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे। चलिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाते कैसे, तो माय डियर दो चीजें आपको बता रहा हूं, दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, आप पूरी स्टोरी समझ जाएंगे किसकी, सॉल्यूशन की एंड उसके फॉर्मेशन की। चलिए ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं एंड अगर हम इसमें बात करेंगे फॉर्मेशन की, ध्यान से सुनिएगा डियर, अगर आपने बात करी सॉल्यूशन की तो लेट अस सपोज सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो आपने कहा सर dy by dx is equals to, लेट अस सपोज इक्वेशन इज y by x, मान लो आपसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन बताइए। अभी आपकी इक्वेशन क्या है सर, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे सर, दिस क्वांटिटी कम आउट टू बी dy divided by y is equals to dx divided by x and sir इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ln of y is equals to this is ln of x plus ln of z. Now this value is come out to be ln of y is equals to ln of x into c. तो my dear y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी सर x into c, yes or no, जल्दी से भाई हाँ या ना। और अगर मैं आपसे इसमें पूछता हूं कि टेल मी कि ये जो आपका सी आया है, टेल मी ये जो आपका सी आया है, ये सी है क्या, तो आप कहेंगे कि सर दिस सी इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट और दिस इज नथिंग बट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट आवर सॉल्यूशन, यस और नो, यस सर। अगर हमने बात की कि सर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे हमने सॉल्व करा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना भी था, क्यों, क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन भी हम एक ही बार करेंगे, और अगर एक ही बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी एक ही आना, तो यस सर ये समझ आया। एंड अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फॉर्मेशन कीजिए तो आपने क्या करा सर, यही इक्वेशन हमें दी हुई है y is equals to x into c, यस सर नो। अब मैंने आपसे करा कि इसकी इक्वेशन बनाकर बताइए, तो आपने जब इसका ये सॉल्यूशन निकाला है, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन यही आना चाहिए, यस सर नो, यस सर। चलिए चेक करते हैं यही आ रही है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपने कहा सर इसे एक बार डेरिवेट कीजिए, dy by dx is equals to c, ये क्या वैल्यू है सर, dy by dx की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी सर c। अब आप क्या करेंगे सर, इस c की वैल्यू लीजिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y is equals to dy by dx into x, तो यहां से आपका क्या आ गया सर, dy by dx is equals to y by x, जल्दी से बताइए हाँ या ना, यस सर। और आना भी यही था, क्योंकि जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये अगर सॉल्यूशन है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो, यस सर। चलिए अब करते हैं फील, अब करते हैं हम इसमें फील के ओवरऑल हो क्या रहा है। अब अगर हम इसकी फील की बात करें माय डियर, तो आप क्या कहेंगे कि सर ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल माय डियर फॉर्मेशन आपने किया कैसे सर, फॉर्मेशन करने के लिए जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिए उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आपने देखा कि सर इस इक्वेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसीजर की, प्रोसीजर में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए सर हमने आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट थे उनको देखा, तो यहां पर आपने कितने कहे सर, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर कितने थे सर, वन, एक ही था सी। देन आप क्या करिए, देन आपने क्या किया सर, मैंने इस स्टेप में डेरिवेटिव की मदद से उस सी की वैल्यू निकाली, तो आप क्या करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यस और नो, यस सर।
एंड देन उसके बाद आपने क्या करा सर, इस आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और वापस उसे हमने किस में रख दिया सर, इक्वेशन में रख दिया। तो आप क्या करेंगे फाइनली इसे हम क्या कर देंगे सर, पुट इन द इक्वेशन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उसे इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें किसी भी प्रकार से आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब ओवरऑल कहानी का इतनी ही है कि आपको उस आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव के, और जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने ही बार आप क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। जल्दी से बताइए समझ आया कि कैसे आपको फॉर्मेशन करना है, हाँ या ना? टेल मी फास्ट। यस वही लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिटरी कांस्टेंट लीड अस टू nth order derivative and hence a differential equation of nth order, yes or no? चलिए सर आपने कहानी तो बता दी, कहानी तो हमें समझ आ गई। सर कुछ क्वेश्चंस करके बता दीजिए, क्वेश्चन करके आप बताएंगे तब हम देख लेते हैं कि हाँ हमें चीजें समझ आई, यस सर? तो चलिए जल्दी से हम दो इसके एग्जांपल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, सॉल्यूशन आपके लिए टफ है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, हम मूव करेंगे किस पर, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके चलिए तो सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले आपको दिया गया है, लेट अस सपोज y इक्वल्स टू mx, क्या दिया गया y इक्वल्स टू mx, आप इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर बताइए। सभी लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी इसे आपको सॉल्व कराता हूं, फास्ट। चलिए अगर आपने इसका सॉल्यूशन करा तो आपने कहा कि सर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सर ओनली वन, मींस आपको इस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है रिमूव करना, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो आप कितनी बार डेरिवेटिव का यूज करेंगे सर, सिर्फ एक बार। और अगर मैं इसका यूज करता हूं तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी सर, dy by dx is equals to m, इस m की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, y की वैल्यू कितनी रहेगी सर, dy by dx into what सर, into x, मेरी वैल्यू कितनी रहेगी सर, dy by y is equals to, this is dy by dx is equals to y by x, ये आपकी क्या हुई सर, this is the differential equation, ये आपने क्या बना दी सर, इसकी हमने differential equation बना दी, हाँ या ना? चलिए एक example और करते हैं, आइए एक example और करते हैं my dear, let us suppose आपको y दिया गया है ax plus of bx square, क्या दिया गया ax plus of bx square, और आपसे कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, कैसे करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि टेल मी यहां पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे सर, यहां पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, कितने हैं माय डियर सर, दो, कौन कौन सर, ए एंड बी, तो आप क्या कहेंगे सर, दो टू आर्बिटरी कांस्टेंट, एंड माय डियर अगर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आप डेरिवेट कितनी बार कर सकते हैं, जल्दी से बताइए सर, दो बार हम आर्बिटरी कांस्टेंट दो है तो हम इससे डेरिवेट दो बार कर सकते हैं, दो इक्वेशन आएंगी, दोनों से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, कैसे, आइए ध्यान से सुनिए। अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या करा कि सर इससे हम एक बार डेरिवेट करेंगे, जैसे ही आपने एक फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया आपकी वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज ए प्लस ऑफ टू बी इंटू एक्स, दिस इज हियर इक्वेशन नंबर वन। अब आपने कहा सर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हम दो बार डेरिवेट कर सकते हैं, एक बार और डेरिवेट किया आपने तो वैल्यू कितनी होगी सर 2b, दिस इज योर व्हाट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है a एंड b, आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं तो आपने जब b की वैल्यू की बात करी तो b की वैल्यू कितनी होगी सर 1/2 d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, ये आपकी b की वैल्यू आ चुकी, और इस b की वैल्यू को उठाकर अगर आपने इस इक्वेशन में रख दिया तो सर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे सर, a की वैल्यू आ जाएगी। रखिए अगर आप इसमें वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं, दिस इज dy by dx एंड दिस इज a प्लस d स्क्वायर y / dx स्क्वायर इनटू व्हाट सर, इनटू x, तो माय डियर a की वैल्यू कितनी होगी आपकी सर, dy by dx, this is dy by dx minus of
d square y upon dx square into x. This is the value of what? So this is the value of a. And mind dear, आपकी a की value भी आ चुकी है, आपकी b की value भी आ चुकी है. अब इन a और b की values को आप उठाइए, इस equation में रख दीजिए. ये b की value आपने उठाई, यहाँ रख दी, और इस a की equation को ली, a की value और यहाँ पर रख दी. तो आपका क्या आ गया? सर हमारी differential equation आ चुकी है. Yes or no? सर क्लियर नहीं आ रहा है, बड़ा लिखिए सर. यार क्या बात कर रहे हो, और कितने साइज भाई, फॉन्ट साइज और कितना बड़ा लिखे भाई, बताइए दिख रहा है कि नहीं. यस लर्निंग एस्पिरेंट जी बिल्कुल सही. मनीष जी यार बाकी लोग बताइए, मनीष जी को दिख नहीं रहा है, बाकी लोग, बाकी लोगों को दिख रहा है? जल्दी से बताइए. यस सर यार बाकी लोगों को तो बिल्कुल विजिबल है. ओके सर मनीष जी आप थोड़ा सा आप क्वालिटी को सुधारिए आपके उसकी, तो आपको दिखेगा. ओके दिख रहा है. चलिए 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 अब मुझे बताइए आपको समझ आया कि किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं. टेल मी फास्ट समझ आया कि आपको किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? यस और नो? यस सर. अभी हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं. नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, जिसपे की एक्चुअल में क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आते हैं. नाउ अब अगर हम बात करें किसकी, किससे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. सर किन चीजों का ध्यान रखना है? माय डियर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैंने क्या बताया, इससे दो टाइप की इक्वेशन रहती है. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट सर? फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम बात करें आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो कैटेगरी में लेते हैं. एक है हमारी कौन सी माय डियर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड क्या है, सेकंड वन इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड वन इज व्हाट सर? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. यस और नो? टेल मी. यस सर. नाउ माय डियर ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम अलग अलग केसेस पढ़ते हैं, अलग अलग फॉर्म पढ़ते हैं. इसमें अगर हम फॉर्म की बात करें कि सर कितने फॉर्म पढ़ते हैं, तो माय डियर इसमें हम पढ़ते हैं 6 फॉर्म. सर कौन सा? फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वन इज उसी को इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं हम रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. देन हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन पढ़ते हैं रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड reducible to exact differential equation. तो ये आपके 6 फॉर्म है, जिसमें से reducible to exact differential equation पर आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, और गेट एग्जाम में भी अभी तक इसमें कम ही क्वेश्चन आए, और आपके AAI एग्जाम में तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माय डियर ये जो है बहुत लेंदी चला जाता है. यस और नो? चलिए 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 तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल. क्या स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर? नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल. यस और नो? चेक. चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, एंड देन स्टार्ट करेंगे हम रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए वेरिएबल सेपरेबल. चलिए अगर इक्वेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यार एक बात बताओ, उसके नाम से आपको समझ नहीं आ रहा, वेरिएबल सेपरेबल मींस आपको जो dy बाई dx है वह इस फॉर्म में हो, fy बाई fx और fx डिवाइडेड बाय fy और
fx into fy. सर इनमें से किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बस हमें मतलब इससे कि हम उसके वेरिएबल को सेपरेट कर पाए. मींस मान लीजिए आपका किस फॉर्म में, आपके इस फॉर्म में, पहले ही फॉर्म में आपने कहा कि सर इस फॉर्म में अगर है तो हम क्या कहेंगे, सर यहां पर वैल्यू रहेगी dy डिवाइडेड बाय fy इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय fx. आपने क्या कहा, यस सर, एक तरफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक तरफ हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. हमने जो वेरिएबल्स थे उनको सेपरेट कर दिए. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, वेरिएबल सेपरेबल. ये तो बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्म में आए सर, इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए. जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे हमारा y जो है सर g ऑफ x प्लस c समथिंग इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा. ये क्या आ जाएगी हमारी सर, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. अभी जो आपने एग्जांपल देखा था, कौन सा एग्जांपल देखा था माय डियर, जो आपने अभी एक एग्जांपल देखा था कौन सा, dy by dx is equals to y by x. जो आपने एग्जांपल देखा था dy by dx equals to y by x, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल सेपरेबल. सर कैसे, कैसे सर, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है सर, dy divided by y is equals to dx divided by x. इंटीग्रेट कर दीजिए. जैसे आपने इंटीग्रेट करा आपकी वैल्यू होगी ln of y is equals to ln of x plus ln of c. तो आपका क्या आ गया था, ln of y is equals to ln of x into c. ये आपका क्या हो गया सर, y is equals to x into c. माइंड ये, ये आ गया सॉल्यूशन. वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके एक को लेफ्ट हैंड साइड में, एक को आप राइट हैंड साइड में लिखवाएं और इन दी एंड उससे आप क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें. तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल सेपरेबल. जल्दी से बताइए कमेंट करके समझ आया कि नहीं. यस सर, समझ आया. चलिए चलिए चलिए, आपने कहा सर समझ आया वो तो सही है, एक क्वेश्चन आपने ये करा दिया, एक क्वेश्चन सर हमें भी करने के लिए दे दीजिए तो हम भी इसको समझ जाए कि यस एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेबल क्या है. आइए एक क्वेश्चन देते हैं आप सभी को, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. ओके चलिए चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको. चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e to the power x minus y plus of x square into e to the power minus y. चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फास्टर. चलिए ये क्वेश्चन जो है आपको एज अभी ट्राई करना है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें. dy by dx is equals to, this is x into 2 times of log x plus 1 divided by, and the next quantity is sin y plus y times of cos y. This is for your homework. चलिए आइए आइए, यस एक टॉपिक पे हम जो इक्वेशन है उस पर 2 से 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. जयदीप प्रजापति जी, सर एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा क्या यार, एक कैसी बातें करते हो यार आप, ये भी चाहते हो. आपने लिखा क्या है, आपने कहा सर बिल्कुल बेसिक से कवर हो जाएगा, आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक से भी कवर हो सर, पूरा एक ही लेक्चर में भी हो सर, पूरे क्वेश्चंस भी हो यार, थोड़ी प्रैक्टिकल जैसी बातें कीजिए. आप इंजीनियर हैं भाई, आप इंजीनियर हैं, एक लेक्चर में कैसे कंप्लीट होगा पूरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से हो सर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवाइए, तो थोड़ा इंजीनियर टाइप बातें कीजिए यार, थोड़ा सा इंजीनियर जैसा बिहेव भी किया कीजिए आप लोग. चलिए आइए आइए, जिन स्टूडेंट का हो गया वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ ध्यान से देखिए. माय डियर अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर, अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का क्वेश्चन, बट आप छोटी सी चीज ध्यान से देखते
माय डियर दिस इज e टू द पावर y, और अगर आप इसे देखें तो ये भी e टू द पावर माइनस ऑफ y दिख रहा है। एंड माय डियर अगर ये e टू द पावर माइनस ऑफ y दिख रहा है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं सर dy by dx is equals to e टू द पावर x into e टू द पावर माइनस ऑफ y प्लस ऑफ x स्क्वायर into e टू द पावर माइनस y, लिख सकते हैं आप कॉस सर जी लिख सकते हैं। नाउ माय डियर अगर आप इसकी बात करें dy by dx सर e टू द पावर माइनस y हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या हमारा e टू द पावर x प्लस ऑफ x स्क्वायर। एंड माय डियर अगर आप इसकी बात करें तो ये आ गया सर dy by e टू द पावर माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx। अब मुझे एक बात बताओ मेरे लाल ये क्या हुआ है सर, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड कर लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे साइड कर लिया, हमने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, मींस ये क्या है सर, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, हाँ या ना, अरे जल्दी से बताओ भाई लोग क्या है ये सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, so this is nothing but the variable separable। and my dear अगर आपने इसमें variable को separate कर दिया अब तो integrate करना आसान हो गया, करिए this is e to the power y dy is equals to this is e to the power x plus x square dx, चलिए integrate करिए, e to the power y का integration is nothing but e to the power y, e to the power x is e to the power x and this is x cube divided by 3 plus of integration constant, see this is your answer, jaldi se bataiye yes or no, yes sir done sir, very good very good very good very good Poonam Singh ji very good। isse kaise karenge, ye kaun sa form hai sir, agar hum iski baat kare to ye bhi kaun sa form hai sir, this is also what sir, this is also in variable separable form, कैसे है वेरिएबल सेपरेबल माय डियर अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या करा सर, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं dy into this is sin y plus of y times of cos y, और अगर हमें dx को इस साइड लेकर आ जाते हैं दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 2x log x plus of 1 into x dx, ये लो भाई अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा आपका आंसर होगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है ये डिफरेंशियल इक्वेशन सर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आप देखिए जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बिल्कुल बेसिक्स से सारी चीजें होंगी के लिए, देखिए ध्यान से देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था सर तीन फॉर्म हो सकते dy by dx equals to fy upon fx, yes this is dy by dx is equals to this is fy divided by fx, ये हुआ आपका first form पर question, second form sir f of x से divided by fy, my dear this is dy by dx, this quantity is fx divided by this is fy, देखिए ये हो गया आपका कौन सा दूसरे form पर, और ध्यान से सुनिए तीसरा form fx से into fy का form में, तो my dear ये क्या हुआ so this is fy and this is fx, my dear चारों की चारों फॉर्म हो गए, चीजों को पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का तरीका होता है डियर, आपको जो फॉर्म बताया गया देखिए सारे फॉर्म जितने फॉर्म बताए गए सारे फॉर्म आपको दो ही पेज में सारे फॉर्म बता दिए गए, तो ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जल्दी पढ़ना है सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है तो बस उड़ा दो ना, पढ़ना सारी चीजें हैं, जल्दी से बताइए वेरिएबल सेपरेबल पर क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, यस सर। चलिए अब आपने पहला फॉर्म पढ़ा, अब आप चलते हैं किसकी तरफ सर, दूसरे फॉर्म की तरफ, दूसरा फॉर्म है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मींस नाम ही आपको यह बता रहा है कि अगर भाई वह वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है तो अब आप उसे रिड्यूस करिए कि भैया तुमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होना है, अब हम उसे रिड्यूस करेंगे किसमें कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल में हुआ आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
ना अब बात आती है कि भैया कोई भी चीज वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में अगर नहीं है, अगर हम देख रहे हैं कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर वह दोनों प्रोडक्ट में रहे, ध्यान से सुनिए, अगर दोनों प्रोडक्ट में रहे तब भी हम उसे सेपरेट कर पा रहे थे, अभी एक एग्जांपल देखा। अगर वह दोनों एक न्यूमरेटर में f(x) डिनोमिनेटर में f(y) तब भी सेपरेट कर पा रहे थे। जब दोनों का जो है सर एक fy न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तब भी सेपरेट कर पा रहे थे, तो एक्चुअल में ऐसी किस कंडीशन में आएगी कि हम जो है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, दूसरा जो है ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? तो अब कब होगा माय डियर? जब दोनों एक साथ किसी एक फंक्शन के अंदर। समझ आया? नहीं आया सर? चलिए ध्यान से सुनिए मेरे लाल, यहां पर क्या हो रहा था सर, हम सेपरेट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि x log के अंदर सिर्फ x था, y sin के साथ सिर्फ sin y था, सर sin x plus y नहीं था, सर log के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था कि उसमें x और y दोनों, ना सिर्फ और सिर्फ log के अंदर x था, sin के अंदर y था, मींस एक फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल था। बट अगर यही वेरिएबल आपके साइन के अंदर अगर दो वेरिएबल आ जाते, लॉग के अंदर अगर दो वेरिएबल आ जाते, ऐसी कंडीशन में आप क्या करते? ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिससे हम रिड्यूस कर सकते बट आपको एक ऑपरेशन लगाना होगा। सर कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरे लाल, आपने क्या कहा? सर मैंने देखा dy by dx लेट अस सपोज किसी फंक्शन के अंदर है ax plus of by plus of c, माय डियर आपका ax एंड by मींस आपका x और y दोनों एक ही फंक्शन के अंदर है। आपने अगर चाहा कि सर मैं इसे डिनोमिनेटर में ले आता हूं तो आपका x भी आएगा, अगर आपने सोचा dx को यहां ले आता हूं तो वहां पर y दिक्कत है, तो आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे। आप वेरिएबल सेपरेट कब कर पाते, प्रॉब्लम समझो, आप वेरिएबल सेपरेबल तब कर पाते कि सर जब हमारा ये जो है ax plus by सर ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता। अरे हाँ है ना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ x होता तो सर मैं dx इधर करता सॉल्व कर देता, अगर ये सिर्फ और सिर्फ y होता तो मैं इधर लेता और फिर सॉल्व कर देता। तो आपने क्या कहा कि भैया प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, मगर फंक्शन के अंदर अगर एक वेरिएबल होता तो हमारा काम हो जाता। और मेरे लाल अगर आपको एक वेरिएबल चाहिए तो क्या आप नहीं कर सकते? सर मैथमेटिक्स है, पुट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने उसे पुट किया, पुट करने के बाद वापस उसकी वैल्यू इन दी एंड में रख देंगे, हमारा काम लिया और काम करने के बाद जो भी हमारा यूज किया हम उसे बाद में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो आपको क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कब कर पाते कि सर जब ये ax plus by की जगह पर क्या हो, सर सिर्फ एक ही वेरिएबल, तो आप पुट कर दो भाई। आपने कहा जो प्रॉब्लम है उसको हटाओ, अभी आगे का देखेंगे। आपने कहा ये प्रॉब्लम है कि भैया तुम दोनों एक साथ हो, हमें एक वेरिएबल चाहिए, हमने उसे पुट कर दिया टी, और अगर आपने टी पुट कर दिया तो आपका जो वाई था, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपका जो वाई है वह टी पर भी डिपेंड कर रहा, मींस अब आपका dy by dx नहीं होगा, अब आपको इस dy by dx को भी तो हटाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया सर, इसे डेरिवेट कर दीजिए, दिस इज ए प्लस बी dy by dx is equals to nothing but what sir dt by dx, और अगर मैं यहां से बात करूं this is dy by dx, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर, nothing but dt by dx minus of a into 1 upon b। अरे हाँ या ना, yes or no? yes sir, and now my dear इस dy by dx की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए, आपकी वैल्यू क्या हो गई है सर, this is 1 upon b into dt by dx minus of a is equals to f of t। Now this quantity can be written as dt by dx is equals to b into f of t, this is b into f of t plus of a। हाँ यार, yes sir, now my dear this is dt divided by b f of t plus of a is equals to dx। मेरे लाल जो आप चाहते थे वो हो गया सर, दोनों तरफ एक एक वेरिएबल आ गया है, एक तरफ हमारा एक वेरिएबल है, दूसरे तरफ हमारा दूसरा वेरिएबल है, मींस हमने दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। एंड माय डियर अगर अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, करिए, आपका टी के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जैसे ही टी के फॉर्म में आंसर आया हम वापस इन द एंड टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रख देंगे। यस और नो,
सर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है उसका एक एक क्वेश्चन करवा दीजिए बस। पारस जी आप सही ये होगा, बाकी स्टूडेंट सभी को मैं यही कहूंगा कि आप लोग एजुकेटर्स को ना बताया करें कि एजुकेटर को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चंस कराना है। एजुकेटर ये सारी चीजें प्लानिंग करके पहले से ही आते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन कराने, कौन से नहीं कराने, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर कितने क्वेश्चन करने। ओके, तो आप ये चीज जो है एजुकेटर को चलते सेशन में बार बार ये अपना सजेशन ना दिया करें डियर। ओके चलिए जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं, यस और नो। चलिए अब आपने कहा कि सर ये बात तो समझ आ गई, आपने समझाया, बट अब एक क्वेश्चन बता दो हमें। आओ भाई क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं चलिए आइए आइए क्वेश्चन करते हैं हम एक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, चलिए बताइए तो भाई लोग। चलिए सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हायर पावर में होता तो, अरे मेरे लाल हायर में हो चाहे किसी में भी हो, जरूरी नहीं है कि अगर वह सेपरेट नहीं हो रहा है तो भी आप लगे रहें कि सेपरेट करना है। भाई कंडीशंस रहती है, फॉर्म रहती है उसे कि आप किस फॉर्म को कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी फॉर्म को कर पाए आप, आए ना, जब तो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं। ओके शशांक जी, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने क्या कहा सर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से सुनिए सर, अगर हम इसकी बात करें dy by dx equals to sin x plus y हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम वही है कि सर x एंड y दोनों किसी एक फंक्शन के अंदर है, और दोनों अगर किसी एक फंक्शन के अंदर है तो आप क्या कहेंगे कि सर हम इसे सेपरेट जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसे हमें किसी सेपरेट अगर करना है तो हमें यहाँ पर कोई एक वेरिएबल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे माय डियर सर, हम यहां पर पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू t, क्या पुट करेंगे आप, x प्लस वाई इक्वल टू t, और जैसे ही आपने x प्लस वाई इक्वल टू t पुट किया वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, तो आपकी dy by dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, dy by dx की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी सर, dt डिवाइडेड बाय dx माइनस 1, और ये आपने वैल्यू ली और इस इक्वेशन में आपने रख दी, और जैसे ही आपने इस इक्वेशन में रखी आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है सर, dt डिवाइडेड बाय dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू sin t, क्या हो गया सर, नथिंग बट sin t, तो यहां से आपकी dt बाय dx की वैल्यू कितनी हो गई सर, dt बाय dx की वैल्यू हो गई 1 प्लस ऑफ sin t। अब इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर, इसे अगर हम यहां पर लेकर आ जाते दिस इज dt upon 1 plus sin t is equals to dx, चलो भाई इंटीग्रेट कर दो, अब तो पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही बचा है, फिर तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। नाउ स्टूडेंट से अब ना इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, यार मैंने लाल 1 plus sin t डिनोमिनेटर में तो इसका मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं पता, अगर यही चीज 1 plus sin t या minus sin t न्यूमरेटर में हो जाता तो इसका हमें फॉर्मूला पता था, बट 1 प्लस साइन टी है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसमें 1 माइनस साइन टी से इंटू 1 माइनस साइन टी से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर टी, और इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपने क्या करा सर, यहां पर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन टी से एंड 1 माइनस साइन टी से डिवाइड किया, जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया वैल्यू आपकी क्या हुई, दिस इज 1 माइनस साइन टी डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस क्वांटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स,
ये कितना हो गया, सर दिस इज 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी डीटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। मेरे लाल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होगा सर, नथिंग बट व्हाट, sec स्क्वायर टी डीटी माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी इज नथिंग बट सर 10 टी sec टी dt is equals to integration of dx। चलिए sec square t का integration is nothing but what sir, इसका integration होगा sir 10 t, इसका integration क्या होगा sir nothing but 10 t, and my dear 10 t sec t का integration is nothing but sir sec t is equals to x plus of y। finally t की क्या value थी, oh sorry x plus y कह रहा हूँ, this is x plus c। अब आप क्या करेंगे सर, जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू क्या थी माय डियर, t की वैल्यू x plus y पुट कर दीजिए, 10 टाइम्स ऑफ x plus y माइनस ऑफ sec टाइम्स ऑफ दिस इज sec ऑफ x plus y दिस इज इक्वल्स टू x plus c एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया या नहीं, जल्दी से बताइए यस और नो, समझ आया कि नहीं, आया ना, this is 10x plus y minus of sec x plus y is equals to x plus c, this is the solution of this differential equation, आया ना, tell me fast, चलिए, okay, चलिए, yes, समझ आया, यार एफटी भी आपके लिए चल रहा है, अगर आप एफटी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एफटी अविनाश सर से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, और अगर आप स्पेशल में चाह रहे हैं तो माय डियर 5 PM पर एफटी भी चल रहा है। और मैथमेटिक्स के आपको जो करना है कि सर मुझे इंटीग्रेशन अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 4 PM से, कहां पर, स्पेशल सेशन में, तो आप उनको ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी समझ। हाफ एंगल फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, यस डियर, आपको ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है, आप कैसे भी इंटीग्रेट करो, हाफ एंगल से करो, आप जिस भी फॉर्म से चाहते हो आप उस फॉर्म से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन हो उस फॉर्म से करिए, ओके। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और किया जाए इस पे, आए ना, एक क्वेश्चन और किया जाए, चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। Next form is dy by dx is equals to y by x plus 10 times of y by x. Okay, चलिए आइए ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या दिया गया है सर, dy by dx equals to y by x plus 10 times of y by x। My dear, same problem. आपने कहा कि सर ये अगर नहीं होता तो हम इधर y लेते, इधर x लेते, आराम से सेपरेट कर देते, इंटीग्रेट हो जाता, और ये अगर हमारा सिर्फ एक भी होता, एक वेरिएबल होता तो हमारा काम हो जाता, बट ये क्या है सर, दो वेरिएबल्स हैं और फंक्शन के अंदर है, तो आप क्या करेंगे सर, सेम पुट करेंगे, आप क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उससे पुट कर दो, प्रॉब्लम है हमारी y by x, क्यों, क्योंकि ये दो वेरिएबल है, इससे हमें एक वेरिएबल में चाहिए, आपने इसे t पुट कर दिया, तो आपकी y की वैल्यू कितनी होगी सर, x into t। अब ये हमारी y की वैल्यू हुई है t के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, dy by dx भी निकालना पड़ेगा, तो dy by dx क्या होगा सर, दिस इज t प्लस ऑफ x टाइम dt by dx, बताओ भाई यही होगा, यस सर, dy by dx इज t प्लस x टाइम dt by dx, एंड माय डियर अगर आपकी dy by dx की वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या करेंगे सर, वैल्यूज रख दीजिए यहां पर, dy by dx की वैल्यू सर t प्लस x times dt by dx is equals to y by x की वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, t plus 10 times of y by x की वैल्यू अगेन नथिंग बट t is cancelled off, this is x times of dt by dx is equals to 10t, and my dear this is dt upon 10t is equals to dx upon x, yes or no, आया ना, yes sir। चलिए इससे अगर आप बात करें तो सर ये अब किस फॉर्म में हो गया है सर, ये रिड्यूस हो गया पूरा वेरिएबल सेपरेबल में, हमने सेपरेट भी कर लिया, और अगर आपने इसे सेपरेट कर लिया तो ये क्या हो गया
So this is integration of cot t dt is equals to integration of dx divided by x. चलिए भाई cot t का integration log of mod of sin t, dx by x का integration so log of x plus of log of c. My dear, इसकी बात अगर हम करें तो this is log of mod of sin t is equals to log of x into c. This value is cancelled out. Sin t is equals to x into c. Tell me the value of t. So t की value है y by x. Means sin y by x is equals to x into c. This is your answer. हाँ या ना, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए. टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए, ये समझ आया या नहीं? अरे बताइए भाई लोग, समझ आया? यस और नो? यस सर. तो हमारे कितने फॉर्म कंप्लीट हो गए? सर दो फॉर्म हमारे कंप्लीट हो चुके. फर्स्ट वन कौन सा पढ़ा हमने? सर फर्स्ट वन हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड हमने पढ़ा क्या? रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल. नाउ अब हम मूव करेंगे थर्ड फॉर्म की तरफ, लीनियर. ओके चलिए, हेडिंग डालिए लीनियर फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आइए अब बात करते हैं हम किसकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की. दिस इज अवर थर्ड फॉर्म, नॉट द फोर्थ. ओके हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ लीनियर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने बचपन में पढ़ी हुई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसे आप लीनियर कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? सर नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c. अरे बताइए, यही कहते हैं ना सर, y इक्वल टू mx प्लस c. यस सर. मेरे लाल ये बताओ, इसमें अगर मैं y की आपसे पूछूं पावर कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर इसकी बात करें तो इसमें डिग्री कितनी है? सर नथिंग बट 1. Yes or no? In a same way, अगर आपको differential equation linear form में चाहिए, तो आपके dy by dx जो है, means से जो आपका derivative term है, means जो differential equation है, उसकी degree कितनी होना चाहिए? 1. क्या होना चाहिए my dear? Sir, nothing but 1. तो आपके इसके अगर हम form की बात करें, तो आपका किस form में equation होना चाहिए? आपकी equation होना चाहिए dy by dx plus of p into y is equals to q. इस form में होना चाहिए dy by dx plus p into y is equals to q. Sir, x के form में नहीं हो सकती? Of course हो सकती. तो अभी आप linear in this equation, अगर आप derivative देखें, तो किसका derivative है? Sir, y का. तो ये किसके form है? Sir, this equation is linear in y. क्या है? Sir, this equation is linear in y. Now, इस equation को अगर आप linear कह रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. पहली चीज, p एंड q जो है वह क्या होना चाहिए? सर आइदर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट. क्या होना चाहिए डियर? सर इन्हें क्या होना चाहिए? सर आइदर फंक्शन ऑफ x, या तो इन्हें फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए. और अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ. नाउ मुझे बताइए p क्या है? सर p इज आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट. तो आप क्या कहेंगे? सर p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? सर x के रिस्पेक्ट में. यस और नो? यस सर. नाउ माय डियर, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ आपका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए देख लीजिए सभी लोग. चलिए आइए, अगर मैं इसकी बात करूं कि माय डियर इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus of c. This is your answer. This is your answer or this is your what? Sir, this is my solution. This is my solution of the linear equation. हाँ या ना? Yes or no? चलिए. अभी भी स्टूडेंट को ऐसा लगा कि सर समझ नहीं आया. कोई दिक्कत नहीं, हम किसके बारे में देख लेते हैं? हम लीनियर इन टर्म्स ऑफ x देख लेते हैं.
आइए अगर मैं बात करूं लीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? सर x डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिग्री कितनी होना चाहिए सर जी? 1। तो dx upon dy plus of p into x is equals to q, this is linear in terms of what? So this is linear in terms of x, yes or no? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? Yes. Now my dear, p और q क्या होना चाहिए? Sir, p and q are nothing but what? Sir, p and q are nothing but either function of independent variable, either function of independent variable means function of y, या फिर क्या हो? Sir, nothing but constant. Yes or no? Yes sir. और इसका general solution निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? Sir, integrating factor. Integrating factor क्या होगा? Sir, integrating factor is nothing but e to the power integration of p into dy. तो आप क्या कहेंगे? Sir, this is nothing but e to the power, जो भी आपका p given दिया होगा, not dy. This is p into dy. है ना? क्योंकि सर p and q यहाँ पर क्या है? Sir, function of y. और अगर ये आपका आ गया है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सर x मींस x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये दोनों किसके फंक्शन है? सर q और इंटीग्रेटिंग फंक्शन दोनों y के फंक्शन है, मींस यहां पर आएगा dy plus of c. This is the general solution. Same procedure ready? जैसे आपने यहां किया उसके similar way में आपने यहां पर कर दिया. Yes or no? जल्दी से बताइए, हाँ या शशांक जी, first thing, listen to me carefully. Now, अगर आपने ये अब आपका ऐसे messages आए जो मुझे लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्लास को, अगर आपको इसके बारे में पता है, अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछिए. आपको डाउट है तो मैं सभी के डाउट क्लियर करूंगा, और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट किया हूं. और अगर आपको डाउट नहीं, अगर आपको चीजें आती हैं, तो आप क्लास में एक स्टेप आगे चलने की कोशिश ना करें. ओके? अगर आपको डाउट है तो आप डाउट अपने पूरे क्लियर कीजिए, बट अगर आपको चीजें आती हैं तो आप सीख रहे हैं तो आप यहां से सीखिए, बट अगर आपको चीजें आती हैं तो आप बाकी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप जो है क्लास से एक स्टेप ना आगे चलें, अदरवाइज मैं आपको अभी ब्लॉक करा दूंगा, आप जो है आप अपने डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे मुझसे. ओके? अभी मैंने कहा क्या कि लीनियर कंप्लीट हो गया, बताइए. अभी मैंने कहा क्या कि लीनियर कंप्लीट हो गया? अभी मैं आपको उसकी चीजें बता रहा हूं, तो आप मुझे नहीं बताने वाले होंगे कि सर डिग्री के बारे में डिस्कशन कीजिए, कि सर ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कीजिए. आप नहीं बताएंगे किसी एजुकेटर को कि उससे किस टाइम पर किस चीज का डिस्कशन करना. ओके? चलिए. यार ऐसा जब टॉपिक कंप्लीट हो ना, उसके बाद चीजों को पूछना और सजेशन देना स्टार्ट कीजिए. ओके? चलिए, तो आपने क्या कहा कि यस सर ये चीजें तो आ गई, हमें ये भी समझ आ गया कि सर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसमें पी और क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए. बट सर क्या ये जो इक्वेशन है हमें पता कैसे चलेगी कि ये लीनियर इक्वेशन? तो माय डियर, उस लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको जानने के लिए आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. आपको तीन कंडीशंस का ध्यान रखना है. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. शशांक जी देखिए, ये चीजें मैं डील कर रहा हूं, आप जो है क्लास से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लास से आगे मत चलिए. एजुकेटर को पता है कि कौन सी चीजें कहां पर आती है, किस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ओके? चलिए, अब अगर हम बात करें कि सर कोई भी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? माय डियर, कोई भी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? आपने कहा कि सर मैंने फॉर्म देख लेता हूं. सर आपने बताया फॉर्म dy / dx plus of py is equals to q. ओके? इसमें आपने क्या कहा? दिस इज लीनियर इन y, एंड इसमें हमने कहा p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट.
जल्दी से बताइए, यही कहा या नहीं? टेल मी फास्ट, यस सर यही कहा है। तो माय डियर, अगर आपने ये फॉर्म कहा है dy by dx plus py is equals to q, और जहां पर आपने कहा p and q are function of x or constant, तो अब देखते हैं कि मैंने इसे तो लीनियर कहा है, ये आपकी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी ऑफ डिग्री वन। तो माय डियर देखिए, ये है dy by dx, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, और ये रहा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे बताइए दोनों की पावर क्या है? सर वन ही है। मींस दोनों की डिग्री क्या है? सर वन। मींस ये जो इक्वेशन है हमारी किससे सेटिस्फाई कर रही है? सर दिस इक्वेशन सेटिस्फाई अवर फर्स्ट कंडीशन। चलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन सेज देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मींस कहीं पर भी y into y dash means derivative, y dash into y double dash means dependent variable और उसका derivative कहीं पर product नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहीं दिख रहा है आपको product में dependent variable and its derivative? No sir, means second condition be satisfied. Third is the dependent variable and its derivative should not argument of the function, means dependent variable को किसी function के अंदर नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव को भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। सर इस फॉर्म में कैसे पता चल रहा है कि वे किसी फंक्शन के अंदर नहीं? माय डियर यहां पर कितनी टर्म? 1 2 3 4, टोटल चार टर्म्स, जिसमें अगर आप देखें p और q तो सर फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। मींस सर p और q तो बात ही नहीं कर रहे, किसकी? सर y और उसके डेरिवेटिव की बात ही नहीं कर रहे, बात सिर्फ दो जगह हो रही है dy / dx और y में। तो माय डियर यस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये दोनों किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो माय डियर ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आप क्या कहेंगे? सर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना? तो आपने ये फॉर्म देख लिया कि यस सर, अगर ये हमें फॉर्म दिखा तो इसे हम कहेंगे लीनियर। और इससे सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सिंपल सा काम है। माय डियर क्या करना है आपको? सर बहुत ही सिंपल है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मल्टीप्लाई, देन क्यू में उसका मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट और आंसर आ जाएगा। सर ये तो हुआ प्रोसीजर और इन सभी की बात। सर एक का क्वेश्चन हो जाता तो मजा आ जाता। आइए 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 क्वेश्चन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2xy इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। चलिए करिए, तो भाई चलिए फास्ट 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 करिए सभी लोग। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग। फास्ट आइए, चलिए आइए आइए ध्यान से सुनिए। अगर आप इसकी बात करें तो आपने कहा कि सर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या ये? सर कहीं से भी वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म तो नहीं है। Reducible to variable separable? No sir. अब हम जाएंगे linear की तरफ। तो आपने linear से compare करके देखा, तो आपने कहा कि sir linear से अगर मैं compare करूं, तो मेरा ये form जो है क्या होना चाहिए? Sir dy by dx plus of p into y is equals to q. तो आपने कहा yes sir this is dy by dx, this is p, और p जो है function of x होना चाहिए। Yes sir, p सिर्फ और सिर्फ function of x है, और q जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो आप क्या कहेंगे? सर दिस इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, सर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो आप क्या करेंगे? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर p into dx, this is e to the power p की वैल्यू कितनी है?
sir, nothing but 2x into dx. This is nothing but what, sir? E to the power x square. Yes or no? Yes, sir. General solution क्या होगा इसका? Sir, general solution की अगर मैं बात करूं तो general solution होगा sir y into integrating factor, means y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor into dx plus of c. So my dear, this is y into integrating factor is e to the power x square is equals to integration. Tell me the value of q. So the value of q is e to the power minus of x square into, tell me the value of integrating factor is nothing but e to the power x square dx plus of c. So अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? So this is y into e to the power x square is equals to, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? So this is 1, overall this value is come out to be dx plus of c, overall value is come out to be y into e to the power x square is equals to x plus of c. So my dear, this is your answer. जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, समझ आया या नहीं, हां या ना? चलिए जल्दी से बताइए. चलिए चलिए चलिए, गुड 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 गुड. एक क्वेश्चन और कराया जाए लीनियर पर. जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन और कराया जाए, देन हम मूव करेंगे किस पे? रिड्यूसेबल टू लीनियर पर. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. चलिए बताइए, ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? सर आसानी से कर सकते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं? यस सर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू. दिस इज क्यू, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सिंगल डिग्री, दिस इज वाई ऑफ सिंगल डिग्री एंड क्यू, दिस इज टू टाइम्स ऑफ टेन एक्स इज नथिंग बट अवर पी. तो आपका क्यू हो गया साइन एक्स, पी हो गया टू टाइम्स ऑफ टेन एक्स एंड ये जो है सर लीनियर है. और अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर? e टू द पावर 2 इनटू दिस इज 10x dx. तो माय डियर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम सॉरी दिस इज e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ 10x. सर द इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज नथिंग बट व्हाट सर? log ऑफ sec x. क्या होगा सर? नथिंग बट व्हाट सर? log ऑफ sec x. मैं इसे क्या लिख सकता हूं सर? इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ sec स्क्वायर x. तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमारी? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रहेगी sec स्क्वायर x. मेरे लाल, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया फिर तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देंगे. कैसे सर? अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है फिर क्या करेंगे सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमारा आ चुका है तो हम करेंगे सर सॉल्यूशन क्या होगा सर? इसके अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें सर, इसके अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर? नथिंग बट y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c. This is y into sec square x. यही था ना? Yes sir. And this is integration of q की वैल्यू is sin x into sec square x dx plus c. मेरे लाल sec square x को आप क्या लिख सकते हैं? So sec square x can be written as 1 upon cos square x. 1 upon cos square x करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? Y times of sec square x is equals to integration of, this is 1 upon cos, अगर इसे लिखते हैं, this is 10x into sec x dx plus of c.
यार अब तो ये आसानी से हो गया, दिस इज y into sec square x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज नथिंग बट व्हाट sec x, यस सर नो, अगर आपसे मैं बात करता हूं sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, नथिंग बट व्हाट sec x, ये हो गया sec x plus of c, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर, जल्दी से बताइए यस और नो, y into sec square x equals to nothing but what sec x plus of c, आया ना, अब बताइए लीनियर पर समझ आया, लीनियर पर कमांड हुई, यस और नो सर, व्हाट इज द एंटी चंदू, या चंदू जी यार आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, क्या बात कर रहे हो, आपको साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स इनके इंटीग्रेशन नहीं पता, यार आप एक काम करो चंदू जी, आपको अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भाई 4 बजे से डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम सारे इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ओके अब मैं आपको इनके बेसिक्स के इंटीग्रेशन यहाँ नहीं बताने बैठूंगा कि आपको साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनके इंटीग्रेशन बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, माय डियर यार ये बेसिक्स है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो डियर आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पेशल क्लासेस में आइए, मैं सारी चीजें डील कर रहा हूँ, चलिए जल्दी से बताइए ये समझ आया या नहीं, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट, चलिए 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 नाउ माय डियर, अगर हम इसकी बात करें कि सर इसमें रिड्यूसेबल टू वेरिएबल से रिड्यूसेबल टू लीनियर क्या होता है सर, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं सर रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आपने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था कि सर उससे रिड्यूस कैसे करते हैं, इन अ सेम वे इसे भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम को जानना होगा, इसमें अगर हम बात करें तो आपने कहा सर dy by dx क्या फॉर्म होगा, dy by dx plus p into y is equals to q into y to the power n where n value must be greater than y, ये क्या है, this is the reducible to linear differential equation, इसे हम Bernoulli equation कहते हैं, ओके चलिए, अब आपने कहा कि सर इस फॉर्म में आएगा, जैसे उसमें क्या होता था कि आपका दोनों फंक्शन x एंड y किसी फंक्शन के अंदर रहते थे, जो आपके दोनों वेरिएबल है x एंड y वे किसी फंक्शन के अंदर रहते थे, बट यहां पर क्या है सर, ये जो है y टू द पावर n ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंड अगर इस n की बात करूं तो इस n की वैल्यू जो है मैंने ग्रेटर देन 1 क्यों कही, अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कह देता, मान लो 0 कही मैंने, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कहता तो y टू द पावर 0 इज 1, तो ये लीनियर में आसानी से कन्वर्ट थी, बस अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कहता तो माय डियर इसकी वैल्यू 1 दिस इज qy और ये हो गया py, इसे हम लेफ्ट साइड में लाते y और इसे सेपरेट करते, ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता, इसीलिए मैंने वैल्यू क्या कही कि n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए यहां पर ग्रेटर देन 1, एंड माय डियर अगर आपने इसके n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कही है तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, माय डियर प्रॉब्लम वही है, जो भी मैथमेटिक्स में जो भी चीजें होंगी उनमें आप उसको समझा करिए कि सर प्रॉब्लम क्या है, भाई ये टेल मी इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे आप कैसे, मुझे ये बताइए प्रॉब्लम क्या है, सर हमारा अच्छा खासा लीनियर फॉर्म मिल रहा था, अच्छा खासा हमें लीनियर फॉर्म मिल रहा था dy by dx plus of p into y is equals to q, ऐसा मिल जाता तो बढ़िया ये लीनियर हो जाता और हम इसे सॉल्व कर देते, ये भाई प्रॉब्लम आ गया, आया ना, हमने कहा कि q के बगल में 1 होना चाहिए, q के बगल में 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, या तो q जो है फंक्शन ऑफ x हो या फिर हमारा कांस्टेंट हो चलेगा, बट q के साइड में कोई भी चीज y की होना नहीं चाहिए, बट सर यहां पर आ गए, यही तो हमारे लिए दिक्कत हो गई, एंड माय डियर ये दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, आपने कहा कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तुम हो ना, राइट हैंड साइड में y टू द पावर n तुम प्रॉब्लम हो, हमें q जो चाहिए अकेला चाहिए ना, एक काम करो इसको हटाना है, हटाओ इक्वेशन को y टू द पावर n से डिवाइड कर दो, आपने इस y टू द पावर n को यहां पर लेकर अगर ये वैल्यू होगी क्या y टू द पावर माइनस ऑफ n dy by dx plus of p y to the power this is 1 minus n is equals to q, यही हुआ ना, अगर आप इक्वेशन को y to the power n से डिवाइड करेंगे तो यही होगा, अब आपने कहा कि भैया चलो जो प्रॉब्लम थी वो हटी, आपने कहा कि भैया राइट हैंड साइड पे हमें q चाहिए था, सिर्फ q चाहिए था, हमने सिर्फ q लेकर आ गए, बट ये जो है हमें y चाहिए था, ये y to the power minus n कैसे आ गया, हमें तो सिर्फ y चाहिए था
और यहाँ पर तो आ गया y to the power minus n, means हमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल पावर, हमें सिंगल डिग्री चाहिए था, ये तो 1 माइनस एन हो गया। ये लो, एक जगह से हमने प्रॉब्लम हटाई, वे दूसरी जगह आ गई। तो मेरे लाल आप क्या कहोगे, भैया तुम एक जगह से हटो दूसरी जगह आओ, चाहे दूसरे से हटके तीसरे पर आओ, हमें तो ओवरऑल सभी को रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है ना, हटा दो इसको भी, रिमूव कर दो। आपने क्या कहा कि हमें y टू द पावर माइनस एन जो है एक ही पावर चाहिए थी ना, हमने करा y टू द पावर माइनस एन को हमने पुट कर दिया t। फील आ रहा है, फील आ रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसको ओवरऑल यही क्यों करते हैं, डायरेक्ट जो है मैं आपको बता सकता था रटने का कि मेरे लाल ये कर दो इससे डिवाइड कर दो ना, मगर उसका रीजन समझ आ रहा है कि क्यों हम इससे करते हैं, रीजन समझ आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं। यस, अब आपने क्या करा, सर ये आ गया है, तो सर y as डिपेंड है किस पर, t पर। तो सर अगर y t पर डिपेंड है तो ये dy / dx इसे भी चेंज करना होगा। तो आपने क्या करा, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus n, this is y to the power 1 minus n minus 1 dy / dx is equals to what, sir ji is equals to dt / dx। So this value is cancelled out, overall y to the power minus of n dy / dx इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ n dt / dx। हाँ या ना, यस सर। अब आप क्या करेंगे, सर जी सारी वैल्यू आ गई है इक्वेशन में, पुट कर दो इस वैल्यू को, अगर आपने इस इक्वेशन में पुट करा तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, y टू द पावर माइनस n dy / dx इसकी वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ n dt / dx प्लस ऑफ p into y टू द पावर 1 माइनस n को क्या माना था, y टू द पावर 1 माइनस n को हमने माना था t, and this is equals to q। yes or no, yes sir। अभी भी ये लीनियर में हुआ है क्या, नो सर। लीनियर में होने के लिए हमें क्या चाहिए, सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया सर, दिस इज dt / dx प्लस ऑफ 1 माइनस n into t, दिस इज this is 1 minus n p into t is equals to q। अब बताओ अब ये equation linear में convert हुई या नहीं, yes sir, now this equation is in linear form, this is 1 minus n, यहाँ भी आएगा multiplication, this is the linear differential equation in t, this is now the linear differential equation in t, yes or no, बताइए समझ आया कि आपने इससे कैसे रिड्यूस करा, जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट, यस और नो, आया ना, यस सर, ग्रेट, चलिए, क्वेश्चन दिया जाए, यस, सेम प्रोसीजर, आपने क्या किया एन किया, देन हमने 1 माइनस एन को टी पुट किया, ये इक्वेशन आपके लीनियर में आ गया। अगर आप उसकी बात करें, क्वेश्चन दिया जाए, एक जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा होमवर्क दिया जाए कि कराया जाए, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क देते हैं, क्योंकि चार से हमारी क्लास है स्पेशल, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क देते हैं, आपसे सॉल्व नहीं होगा तो इससे हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके चलिए, क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, चलिए यस होमवर्क, यस डियर होमवर्क ही है, आप इसे ट्राई करिएगा। तो माय डियर आज हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर लगभग खत्म हो गया है, इसमें सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बचा है, कल जो है हम हायर ऑर्डर कंप्लीट करके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, बट क्लास को एंड करने से पहले जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो माय डियर आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो हमारी टीम है बेस्ट कॉन्टेंट जो है आपको एक पूरे सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है, तो आप सभी स्टूडेंट उसका एडवांटेज लीजिए, अदरवाइज
आप सभी स्टूडेंट इन द एंड में यही सोचेंगे कि यार हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या फिर बाकी जिन्होंने ज्वाइन किया उनके मार्क्स आगे मुझसे कुछ गलती हुई। तो माय डियर, अगर आप कैपेबल हैं कि आप इतना पेमेंट कर सकते हैं, तो माय डियर आप 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ जो भी प्लान आप चाहते हैं उसे चूज कीजिए प्लस के लिए। और कोड आपको यूज करना है पल्लव लाइफ, क्योंकि जिस फील के साथ आप मुझसे अभी पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द फील, अगर आप सारे सब्जेक्ट चाहते हैं कि सर मुझे सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पूरा ऐसे ही पढ़ना, पूरे टॉपिक ही ऐसे पढ़ने सर, और आप मुझे पर्सनली गाइड कीजिए, तो माय डियर आपके लिए ये कोड यूज करना मस्ट है आपको। एंड अगर आप आइकॉनिक में चाहते हैं तो माय डियर सेम आप अपना प्लान चूज कीजिए, आइदर ऑफ 12 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड एज अ पर्सनल कोच आप मुझे चुनते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे अपने सारे डाउट डिस्कस कर पाएंगे, ना सिर्फ टेक्निकल, आप जो है नॉन टेक के भी सारे डाउट मुझसे पूछ पाएंगे। टेक्निकल के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है जो आपके डाउट्स में मदद करेगी। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि 4 PM पर, यस माय डियर 4 PM पर हम जो है फिर से मिलने वाले हैं। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड ये है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल। किस एग्जाम के लिए? गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम। किन ब्रांचेस के लिए? डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्ससी ब्रांच, पीआई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। सर इसमें सेशन किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है? हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। तो माय डियर इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। चलिए गाइस, थैंक यू, आज का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम से जुड़िए। थैंक यू सो मच।